जय श्री राम। और देख सकते हैं आज अभी हम लता मंगेशकर चौक पे हैं। देख सकते हैं आज यहाँ पे थाईलैंड से आया है रामलीला का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं? तो आज दूसरा दिन है ये अयोध्या का और हम लोग यहीं अभी स्टे कर रहे हैं, दो तीन दिन और स्टे करेंगे। और देख सकते हैं अभी चारों तरफ घूम रहे हैं और नज़ारा देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ का। तो हम लोग अभी गाइस अभी जा रहे हैं सरयू नदी, तो वहाँ का देखते हैं कैसा है, मतलब है नदी। और हम लोग आज हम लोग नहाते, लेकिन बहुत ही काफ़ी ठंड है और पानी भी बहुत ही ठंड है। तो चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं नज़ारा। और 108 फीट का जो अगरबत्ती है वो भी आपको दिखाएंगे। आज पूरे राममय हो गया है यहाँ पे अयोध्या में, और आप भी आइए और इन्जॉय कीजिए। तो देख सकते हैं, चलिए आगे दिखाते हैं अभी। और दूर दूर से भक्तगण आ रहे हैं देखने के लिए, तो आप लोग भी आइए और दर्शन कीजिए रामलला का। अभी आ चुके हैं तुलसी उद्यान में जो अयोध्या में ही है। तो अभी हम जाएंगे सरयू नदी जो अयोध्या से गुजरती है, और अयोध्या के बाद ये सरयू नदी जो है घाघरा के नाम से भी जानी जाती है, और इसका लंबा 160 मीटर है। गाइस अभी आ चुके हैं लता मंगेशकर चौक, जो देख सकते हैं पीछे में बीना है, और यहाँ पे मतलब चौराहा टाइप का है, और यहाँ से ही मात्र मतलब हवाई अड्डा जो 15 किलोमीटर है, जो उधर से रास्ता है वहाँ से जाता है। और देख सकते काफ़ी यहाँ पे उमंग है दर्शकों में देखने के लिए, और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। देख सकते हैं हमारे पीछे सरयू नदी है, और माना जाता है कि राम सीता लक्ष्मण जी जो है वनवास के लिए जो जब गए थे तो इसी नदी के किनारे किनारे जंगल तक गए थे, और बाद में लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद इसी रास्ते से आए थे और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई थी। तो देख सकते हैं हमारे पीछे ये सरयू नदी है, और काफ़ी बहुत ही अच्छा मतलब घाट बना दिया गया है, देख सकते हैं जो काफ़ी सुंदर है। देख सकते हैं आज हमारे पीछे राम की पैड़ी है, जो काफी खूबसूरत लग रहा है, और लग रहा है जैसे यहाँ पे झरना बह रहा है। गाइस तो ये सरयू नदी का ही पानी है जो इसमें डैम बना के इसके मतलब निकाला गया है यहाँ पे झरना के तौर पे, जो पर्यटकों के लिए देखने के लिए बहुत ही आनंददायक है, खुशी। और यहाँ पे आप सभी स्नान कर रहे हैं तो काफी मजेदार लग रहा है गाइस। और शाम को यहाँ पे आरती होती है गाइस, देख सकते हैं पीछे हमारे। बस अब आज के लिए बहुत हो गया, क्योंकि बहुत थक चुके हैं गाइस। तो अभी जा रहे हैं स्टे करने के रूम पे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे।